अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऐसे रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और हमें खुशी है कि थोड़े बहुत ना अभी कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं लोगों के। तो वीडियो एक दिन रेस्ट आ गया था उसमें, तो आप ही होता है यार, हम सिर्फ यूट्यूब थोड़ी करते हैं ये। अब इंशाल्लाह यूट्यूब को अब ना वो प्रोफेशनल वे में लेके जा रहे हैं। इसी का थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, इस वजह से आज डिले हुई है। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा अली खान का नया ट्रेलर आया एक, तो उनका ट्रेलर देखते हैं क्या है इसके अंदर। हीरो इसके अंदर कोई नया सा है, पहले नाम सुना नहीं हुआ, तो देखते हैं ये जी। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर डिटेल से बात करेंगे, अपने वक्त को ज़ाया नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बनाते हैं। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितनी बड़ी हो गई हो। So good to see you, Misha. Welcome home. Hi, Rukmini. अभी ये कोई हॉरर टाइप लग रही है ना? दादा कहाँ हैं? मैं जुगनू आज तक नहीं आया। Don't worry. 3-4 दिन में आ जाएंगे। और तब तक I'll keep you company. वो सच में बहुत खुश हैं कि तुम घर लौट रही हो। फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? The real queen of Mayagarh has returned. खबर आई थी मेरे पास। दादा कहाँ हैं? शायद कॉटेज से को पता हो। अच्छा सबका सारा कामकाज हुई तो देखते हैं। दादा साहब के बहुत करीब हो के भी मैं उनकी निजी जिंदगी से कोसों दूर। अबे ये तो मिर्जापुर वाला नहीं है, गुड्डू का भाई। दादा मिशा क्या नहीं हो जाओ। मैंने दादा को देखा। और अगर मिसिंग है तो किसे देखा? मुझे बस इतना पता है कि दादा ने मुझे यहाँ बुलाया और वो खुद गायब है। और उनका फोन ऑफ क्यों है? कल दादा की बॉडी यहाँ थी। दादा का खून हुआ है कपिल। मर्डर ऐसा करेगा क्या? मुझे कैसे पता? स्केयर्ड। अरे ये भी तो इस टाइप की स्टोरी तो नहीं है कि पहले खून हो गया फिर वो रूल जो है ना अपने इंसाफ के लिए दोबारा आई है। डरा है वहीं से मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गैसलाइट, ये नाम की थोड़ी समझ नहीं आई मुझे। गैसलाइट, अच्छा ये अरे वाह, आजकल वो पहले भी देखे ना गुमराह, ये भी उसी टाइप का कोई है, थ्रिलर और मर्डर पे बनी हुई है ना, और हॉरर भी मिक्स किया हुआ है इसमें। हॉरर वाला ना पूरी जो आपने देखा ट्रेलर उसमें बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी तो दिखाई नहीं है। गैस लाइट का इसलिए तो नहीं कोई इनका ना हॉरर मिलाप। गैस लाइट इसकी स्टोरी मेरे ख्याल में वही है जो ना जिसका मर्डर हुआ है ना, फिर उसी की जो आत्मा इन लोगों को तंग करेगी इंसाफ लेने के लिए। वैसे थ्रिलर मूवी भाई मुझे बहुत पसंद है, वो पहले 3-4 देखी हुई है ना, ज्यादा तो नहीं देखी, लेकिन होती ये मजा होता है कि ना लास्ट तक बंदे को पता ही नहीं है कौन विलन कौन है, किसने कत्ल किया। बंदा मैं साथ में बैठा ना खुद ही सोच रहा होता है ना, आपने देखा होगा ना अगर जब कोई मूवी देखते हैं ऐसी थ्रिलर मूवी, तो बंदा बैठा सोच रहा होता है किसने, ये शायद कातिल हो सकता है, ये कातिल हो सकता है, ये हम सोचते हैं, और ये इन मूवीज का मजा होता है। चले मुझे वैसे तो पसंद है ना ये सस्पेंस वाला है, ये हमेशा से इंसान को ना अपनी तरफ खींच के रखते हैं कि इसके अंदर से पता नहीं क्या होगा, यही इनकी होता कुछ भी नहीं है। एंड में भाई वही बंदा सोच रहा होता है, किसी को जो शरीफ बनाया होता है ना, नॉर्मल बंदा बनाया होता है, उस बेचारे को बना देते हैं कातिल, और बंदा सोचता रहता है यार ये बंदा शैतान लग रहा है, ये बंदा थोड़ा सा ना दो नंबर टाइप लग रहा है, वो शरीफ बना देते हैं। देख देख के ना हमें भी तजर्बा हो गया, जो शरीफ होता है वो बदमाश होता है, और जो बदमाश होता है वो शरीफ होता है। और वो मज़े की बात इसमें यह है कि वो जो गुड्डू भैया का भाई है ना, जिसकी वो ठोकता दिमाग फाड़ देता है, वो क्या नाम है उसका, मुन्ना भैया मेरे ख्याल में वो है हीरो। सही से मुझे वो हुआ नहीं, लेकिन वो ही है। इसमें क्लीन शेव थे। हाँ, इसमें थोड़ी सी बियर्ड है।
तो चलिए, ट्रेलर तो इसका जबरदस्त है, मूवी देखते हैं कैसी होने वाली है, जब आएगी तो फिर ही पता चलेगा। पूरी मूवी देखेंगे फिर पता चलेगा कातिल कौन है। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ना इनमें कौन मुश्तबा है, क्या मूवी की हमें ना सही बताएं अगर, तो हमें इतने ज़्यादा इसकी समझ नहीं आई, बहुत ना गहरी सी स्टोरी लग रही है इसकी, तो इसका आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है। और दिमाग पे जोर डालना ना हमें अच्छा नहीं लगता। पता चल ही जाएगा जब आएगी, ऐसे ही सोच सोच के। अरे भाई, सारे अगर आइंस्टाइन न्यूटन की तरह सोचने लगेंगे ना, हम तो भाई अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं, इसलिए कभी यूज नहीं किया। तो वीडियो खत्म करते हैं और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने सीरियस ले लिया कि हम लोग आपको कहेंगे नहीं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, उसके बाद वीडियो को भी लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बताया करें क्या चाहिए आप लोगों को, किस पे वीडियो चाहिए। अभी एक दो दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है, वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।